हम टॉप पे जाएंगे जो कि सामने आपको मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ, तो आज हम वहाँ पे चलते हैं। तो बने रहें फिर वीडियो के अंत तक, स्क्रिप्ट मत करें यार, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाय हाय, सब कुछ सब बढ़िया। कहाँ से हो सर आप? कहाँ से हो आप? नोएडा से आए हुए हैं तो? हाँ जी, तो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का भी दिखाते हैं आप। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे का ये वीडियो भी मैंने शूट कर ही दिया है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। तो दोस्तों मेरा नाम मुकेश भंडारी, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ लोकल ऋषिकेश में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक और आपको भी दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ। तो चलते हैं फिर, और फाइनली तैयार होके तो मैं रूम से निकल ही चुका हूँ और चलते हैं वहाँ पे, और मैं भी चलता हूँ आपको भी लेके चलता हूँ। तो मैं पहुंच चुका हूं तपोवन में, जो कि ये पूरा तपोवन में आता है। काफ़ी सारी मार्केट है यहां पे और काफ़ी सारी दुकानें यहां पे, और अभी मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। तो इधर से मैं आया हूं और अब जाएंगे हम यहां ऋषिकेश की तरफ। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और काफ़ी सारा क्राउड हो जाता है शाम को यहां पे भी। ये ऑटो स्टैंड है तपोवन का, ये ऋषिकेश तपोवन का लोकेशन है। तो यहां से जाएंगे हम ऋषिकेश, एक ऊपर भद्रकाली के लिए जाता है और एक नीचे ऋषिकेश राम झूलाओं के नीचे जाते हैं। तो अभी हम जाएंगे आगे ले ऑटो स्टैंड जो कि सामने है तपोवन ऑटो स्टैंड। यहाँ पे ऑटो खड़े होते हैं, ये सारे ऑटो बाजार जाते हैं और बस अड्डे के लिए जाते हैं। यहाँ पे सारे ऑटो आपको दिख रहे होंगे। तो बने रहे यार मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, और यहाँ पे चालान भी कटता है दोस्तों, संभल के चले क्योंकि आपका चालान कट सकता है ऊपर, अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो चालान कट सकता है। दोस्तों आज आपको सामने जंगलों के बीच में एक टॉप में एक मंदिर दिख रहा होगा जो कि भूतनाथ मंदिर है, और आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं उसके पीछे। और पहले जाएंगे हम रामझूला होके, जो कि रामझूला होके परमार निकेतन में हम गंगा आरती के दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम वहाँ पे। तो चलते हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का भी दिखाते हैं आपको नज़ारा झूला के ऊपर। और रामझूला काफ़ी खाली खाली सा है आज, और चलते हैं फिर आगे। तो आज काफ़ी सारे देख मिलेंगे आपको गोरे काले यहाँ पे। तो रामझूला के ऊपर पहुँच चुके हैं और अभी हम टॉप पे जाएंगे जो कि सामने आपको मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ, तो आज हम वहाँ पे चलते हैं। तो बने रहें फिर वीडियो के अंत तक, स्क्रिप्ट मत करें यार वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाय हाय, सब कुछ सब बढ़िया। तो सर आप कहाँ से हो आप? नोएडा से आए हुए हैं तो? सेंटर हमारा। हाँ जी, कार सर्विस सेंटर वाला। अच्छा, कार सर्विस सेंटर है कहाँ पे? नोएडा में करानी तो बता देना। ओहो, तो हमारे सर आए हुए हैं नोएडा से घूमने के लिए ट्रिप पे। कितने दिन की ट्रिप है सर आपकी? भाई 4 दिन के लिए आए। 4 दिन के लिए आए हुए हैं उत्तराखंड ऋषिकेश में। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मजा आ गया। सब्सक्राइब टू पहाड़ी चैनल। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे चलते हैं और आगे का भी देखते हैं, काफी खूबसूरत सा नजारा होगा मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक। दोस्तों बने रहे फिर, और ये शाम का नजारा है, काफी खूबसूरत सा नजारा है दोस्तों। तो ऋषिकेश देवभूमि से आपको हर ब्लॉक मैं अपनी वीडियोस में दिखाता रहता हूँ। तो फिर बने रहे और चलते हैं फिर आगे जहाँ पे हम अभी तक नहीं गए हैं, तो आज मैं आपको वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। तो दोस्तों अंदर जाएंगे हम दूसरे दिन क्योंकि काफी भीड़ लग चुकी है, तो बने रहे फिर आपको दूसरे दिन लेके जाऊंगा यहाँ पे। तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ से चलेंगे अभी। तो यहाँ पे मेरा BMW खड़ा है। पहुंच चुका हूं परमार निकेतन, और परमार निकेतन का
अभी का ये टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे का ये वीडियोज भी मैं शूट कर रहा हूँ परमा निकेतन से। तो अभी हम चलते हैं परमा निकेतन में, थोड़ा सा गंगा आरती के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे आगे को। तो बने रहे फिर वीडियो के अंत तक, परमा निकेतन का एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखें फिर मेरे इस वीडियो में। पवित्रमसि सहस्रधारम् यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय महामते इष्टकामसमेत जाएगा वहाँ पे जाने के लिए, तो आज वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, दूसरे दिन मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आज गंगा आरती के दर्शन भी हमने कर ही लिए हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वहाँ पे आज नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दूसरे दिन लेके जाऊँगा। तो फिर गंगा आरती हो रही है और गंगा आरती का ही समापन है जो कि आज मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, और इससे आगे मिलता हूँ फिर आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में। चलते हैं घर के लिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और फाइनली गंगा आरती के दर्शन भी आज कर ही लिए हैं। शाम का जो ये नज़ारा है जो, और राम झूला का ये खूबसूरत सा व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अभी का है और टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं और अब काफी टाइम हो चुका है, तो मिलता हूँ फिर मैं आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में।